हाय फ्रेंड, कुक सम टेस्टी में आपका स्वागत है। आज हम गाजर का अचार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए लिए हमने आधा केजी गाजर, गाजर को छील के साफ कर लिया है और गर्म पानी से हमने धो लिया है। देखिए, तो चलिए हम इसको काटते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम ऐसे इसको काट लेंगे। ऐसे ही हम सारी गाजर काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, गाजर को हमने काट लिया है, काट के साफ कर लिया है। ये सफ़ेद वाला भाग जो गाजर में के अंदर होता है वो हमने सारा निकाल दिया है, उसे नहीं रखेंगे अंदर। ये सारा निकाल के फेंक दिया है हमने। अब हम इसको गर्म पानी में थोड़ा सा उबालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें गाजर डालते हैं उबलने के लिए। ऐसे ही हम सारी गाजर डाल देंगे और 5 मिनट तक इसे हल्का सिम गैस पे उबालेंगे। तो हम ढक देते हैं इसे। फ्रेंड देखिए, गाजर हमारी उबल चुकी है, हल्की सी उबाली है हमने। अब हम इसको 2 घंटे तक धूप दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, 2 घंटे के लिए हमने गाजर को धूप में रख दिया है। फ्रेंड गैस को हमने ऑन कर दिया है। अचार के लिए मसाला बनाएंगे। मसाला फ्राई, ये डाला हमने सौंफ, ये डाली हमने अजवाइन, ये डाला हमने जीरा, ये डाली हमने मेथी, और ये डाली हमने काली सरसों। और अब हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद ठंडे ही हो जाए तो हम इसको पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मसाला पीस के हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब अचार रखते हैं। एक बाउल में इस सारी गाजर हम इसमें डाल लेते हैं। 2 घंटे धूप दिख चुकी है, इनमें सारा पानी सूख गया है इसका। अब हम डालते हैं इसमें मसाला। धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, सरसों का तेल, सफेद छिरका, दो स्पून के करीब डाल दिया हमने छिरका। सफेद छिरका का फायदा यह है कि हमारा अचार खट्टा भी हो जाएगा और लंबे समय तक टिकता भी है। फ्रेंड, जब तक मन चाहे तब तक आप रख सकते हैं इसे, ये खराब होने वाला नहीं है, रख के खा सकते हैं लंबे समय तक। थोड़ा छिलका और ऐड कर देते हैं। इसे 2 दिन तक धूप दिखा लें
खाने को तो अभी खा सकते हैं, तैयार है, लेकिन धूप दिख जाएगी 2 दिन तब खाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड गाजर का अचार हमारा वैसे तो तैयार है। इसको किसी जार में या इसी में कपड़ा लपेट के हम धूप में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड 2 दिन हो गए हमारे अचार को। तो फ्रेंड गाजर का अचार हमारा तैयार है और इसे आप लंबे समय तक टिकाने के लिए गंदे हाथ ना उसमें डालें, ना पानी के हाथ डालें अचार में। जब भी लें अचार तो चम्मच से ही लें तो लंबे समय तक टिकेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो फ्रेंड गाजर का अचार हमारा तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद।